हेलो दोस्तों, सुनीता राघव रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बटर नान, जिसके लिए हमने लिया है 1 कप आटा और 1 कप मैदा, जो हमने दोनों मिक्स कर लिए हैं। इसमें 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 teaspoon बेकिंग सोडा, 1 नमक स्वादानुसार, 1 कटोरी, 1 चम्मच तेल। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालते हुए हम गूंथते जाएंगे। एकदम पानी नहीं डालना सारा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंदेंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल डालते हुए इसको हम चिकना होने तक गूंदते जाएंगे। 5 से 10 मिनट हमें इसको गूंदने में लगेगा। जब तक ये किनारा ना छोड़ दे और चिकना ना हो जाए, तब तक हम इस आटे को गूंदते जाएंगे। देखिए आटा हमारा गूंद गया है। अब हम इसमें तेल लगा देंगे। अच्छे से तेल लगा देना है और मोटे कपड़े से ढक के इसको 2 से 3 घंटे तक इसमें रेस्ट करना है। इसको ढक के रख देना है और 3 घंटे बाद हमने नान बनाने हैं। देखिए आटा तैयार है, अब हम इसके नान बनाते हैं। देखिए इतना पेड़ा लिया हुआ है हमने। अब इसको सूखे आटे की सहायता से हम इसको बेल लेंगे। अब इसमें तेल लगाएंगे, चारों तरफ घुमा के फैला देंगे, ऊपर से सूखा आटा डाल देंगे। ऐसे मोड़ देंगे, ये देखिए। एक बार और तेल लगाएंगे। फिर इसके ऊपर हमने सूखा आटा डाल देना है, इसको मोड़ देंगे। सूखा आटा लगा के हम इसको बेल लेंगे। आप किसी भी शेप में हम बेल सकते हैं इसको, गोल, चौकोर, कोई भी आकार लें, हम इसको तिकोना बेल रहे हैं। अब हम इसमें पानी लगा देंगे, पानी को अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ। तवा हमारा गर्म हो चुका है और जिस जगह हमने पानी लगाया है वो हम नीचे रखेंगे। ये देखिए, अब हम इसको थोड़ी देर आंच पे ही रखेंगे। ये देखिए बबल्स आने लगे हैं, फूलने लगा है। अब हम इसको पलट के सेक लेंगे और साथ साथ देखते जाएंगे।
देखिए इसकी परतें खुल रही हैं। देखिए ये सीख गया है। अब हम दूसरी साइड भी देख लेते हैं इसको, तो दूसरी की साइड सिका है या नहीं। दूसरी साइड हमने थोड़ा सा और सेक लेना है। देखिए नीचे से भी करारा हो गया ये। अब हम इसमें मक्खन लगा देंगे। इसी तरह हम सारे नान बना के तैयार कर लेते हैं। गर्मा गर्म नान तैयार हैं। पनीर की सब्जी के साथ आप सर्व कीजिए। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।